व्हाट्सअप गाइस, आज एक वीडियो लाया सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। आप लोगों को सिर्फ इन्जॉय करना है, इसको हेट फैलाना नहीं, मत पहली बात तो छोड़ो चीज़ को। जो अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल फायर हो गई थी, जिसको इंडिया ने कहा था गलती से हो गई थी वो, तो उसके ऊपर एक रोस्ट बनाया कि ब्रह्मोस स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान रोस्ट। आपको घबराना नहीं है, ठीक है? तो ये ट्वीब्रो ऑफिशियल चैनल से, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इनके चैनल पे अमेजिंग रोस्ट वीडियोस आप एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही मजेदार वीडियोस बनाते हैं। तो आज ये वीडियो देखते हैं, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, तो लेट्स एंजॉय द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन। 1 2 3 गो। लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा देना। आप बताएं, जब से इमरान खान वजीर आजम बना, कोई ड्रोन अटैक हुआ है? मजा नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान ने एक और हरकत की है, और एक मिसाइल फायर करते हैं और पंजाब में पीएस जन्नू में आके गिरता है। हेलो, कुछ दिनों पहले आईएसपीआर के डीजी मेजर जनरल बाबर इख्तिकान ने दावा किया था कि भारत की तरफ से सुपरसोनिक मिसाइल दागी गई, जो पाकिस्तानी बॉर्डर से 124 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी, और मिसाइल गिरने से पहले पाकिस्तानी कभी उधर देखे, कभी नीचे देखे, कभी देखे, कभी यहाँ देखे। हालांकि ये मिसाइल अनआर्म्ड थी, जिससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी करते हुए सफाई भी दी कि रूटीन मेंटेनेंस के दौरान टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से ये घटना हुई, लेकिन स्टेटमेंट इंग्लिश में होने की वजह से पाकिस्तानी उन दो वर्ड का मतलब बताओ भाई। भारतीय रक्षा मंत्रालय का स्टेटमेंट जारी होने के बाद भी पाकिस्तान इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा कि ये टेक्निकल खराबी की वजह से हुआ था, बल्कि उसकी भारत से इस बात को लेकर नाराजगी है कि टेस्टिंग करते समय भी भारत मिसाइल का डायरेक्शन पाकिस्तान की ओर रखता है। भाई, इंडिया की तरफ से सब कुछ क्लियर कर दिया गया कि सब एक्सीडेंटली हुआ था, लेकिन पाक मीडिया की माने तो इंडिया का पाकिस्तान पर हमला, भारत का पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान इंडिया में जंग। अरे मुझे चक्कर आने लगा। और पाकिस्तानी एंकर फिजा अकबर खान ने तो यहाँ तक कह दिया, भारतीय हदूद से एक शय ने मुल्की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, और पाक फजाइया ने मुकम्मल निगरानी की और उसे गिराया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। भाई, ये पाक फौज ने गिराया जैसी बकचोदी उस स्थिति में पेल रही है, जब इनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इंडिया से आने वाले किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को गिरा सके। ये पाकिस्तानी सिर्फ रडार पर ही देख सकते हैं, फिर अपने लड़ाकू विमान भेजेंगे, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय मिसाइल की स्पीड ही इतनी तेज है कि जितने में पाकिस्तानी पायलट के प्लेन स्टार्ट करने में चूतड़ हिलेंगे, उतने में तो मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी। और रही बात भारतीय मिसाइल मार गिराने की, तो सच्चाई पहली बात तो डीजीएसपीआर ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया, उन्होंने ये कहा कि वो खुद गिरा है। लेकिन ये बंदी यही नहीं रुकी, इसने तो भारतीय रक्षा मंत्रालय की दी हुई स्टेटमेंट को ही बदल कर रख दिया। अच्छा, भारतीय वजारत दफा ने मिसाइल दागने को फौज की गलती तस्लीम करते हुए वाक्य को इंतहाई अफसोसनाक भी करार दे दिया। अब भाई, भारत द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट को पढ़ो, इसमें किधर लिखा है कि भारतीय फौज की गलती से हादसा हुआ? कुछ भी, कुछ भाई इनका सही है, अपनी तरफ से मनगढ़ंत स्टेटमेंट बनाओ और पाकिस्तानी आवाम को टीवी पर दिखा दो। अबे जाहिल औरत, पहले पढ़ना सीख ले, वरना पूरी दुनिया कहेगी कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। लेकिन भाई, इस बीच एक बात तो क्लियर हो गयी कि भारतीय मिसाइल भी अब अच्छे से समझ चुकी है कि उन्हें जाकर गिरना कहाँ है। टेक्निकल खराबी होने के बावजूद भी पाकिस्तान में ही जाकर गिरी, मानो ब्रह्मोस भी पाकिस्तानियों से खुद कह रहा हो माफ करना, मैं कुछ कुछ नहीं कर सकता। भाई, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि पाकिस्तान को सोचने समझने का समय ही नहीं मिला कि ये पाकिस्तान में आकर गिरा क्या है। ना उनकी फौज को समझ आया, ना उनके रडार सिस्टम को, वो तो इन्होंने बाद में उस जगह जाकर क्लियर किया है कि ये भारतीय मिसाइल पाकिस्तान में आकर गिरी है। और इसी के साथ पाकिस्तान का जो मुगले आजम अब तक कहता आ रहा था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान में मिसाइल गिरने के बाद उसका कहना है पाकिस्तान सरेंडर करने की सोचेगा नहीं, पाकिस्तान सरेंडर करेगा। भाई, पाकिस्तान में ब्रह्मोस जाकर क्या गिरी, पूरा पाकिस्तान सदमे में पहुंच चुका है। कोई अपने स्तर पर गुणा भाग करके रिस्पॉन्ड करने की टाइमिंग बता रहा है। अगर इंडिया को मिसाइल लॉन्च करेगा, हमारे पास 6 मिनट से कम टाइम होगा उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। अच्छा, तो कोई भारत की कैपेबिलिटी पर सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया पे वो कौन सा जुनून तारी है, और उन्होंने अपनी किस कैपेबिलिटी का टेस्ट किया? भाई, वो क्या है कि अभी फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की जो डील हुई थी, फिलीपींस सरकार ने डेमो की मांग की थी, तो उन्हें मिसाइल छोड़कर दिखाया कि ब्रह्मोस को कोई एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता।
मस्त जोक मारा भाई लोग। एक तरफ इनको भारतीय मिसाइल पाकिस्तान में एंटर होने का दुख था, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की खुशी भी थी कि मिसाइल के मलबे को कबाड़े में बेचकर मुल्क की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं खुशी पर दुख हावी होता दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से ये न्यूज रूम में बैठकर फालतू की बकचोदी करते नजर आ रहे थे। इनसे ये मिस फायर हुआ है या फायर किया उसके बाद कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि इनका मिसाइल टेक्नोलॉजी सबसे पुअर है। भाई ये देखो, दूसरों की मिसाइल टेक्नोलॉजी को पुअर बोल कौन रहे हैं, जो भोसड़ी के खुद मिसाइल की जगह कॉन्डोम उड़ाकर जश्न मनाते हैं। भाई भारतीय मिसाइल ने पूरे पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी, और साथ ही साथ ये पैगाम भी दे दिया कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए भारत को कुछ मिनट से ही काफी हैं। ये बात इनके भी अब अच्छे से समझ आ चुकी है, इसलिए अब पाकिस्तानियों का मोदी जी से कहना है कि ऐसी गलती दोबारा तो नहीं होगी। और उधर मोदी जी, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे भाई मुझे ये बहुत वो लगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता मोदी। और वो ऐसा लगा मोदी लाइक माफ करना गलती से, गुस्से में इधर उधर। वो कौन सा शो था, वो उसका क्लिप लगाई ना। हाँ, एक हाँ। अरे वो शो का नाम याद दिया रहा, वो बहुत लूज टॉक शो का था, बहुत बेड था। माफ करना मैं कभी कभी इधर उधर निकल, ब्रह्मोस माफी मांग रही है उनसे गिर के, अरे सॉरी गलती से आ गए हम, जाना कहीं और था। लेकिन वो भी अच्छा बनाया कि उन्होंने डील साइन करी ब्रह्मोस की, तो वो डेमो मांग रहे थे, तो हमने कहा चलो डेमो दे देते हैं। अनआर्म्ड थी तो डेमो देने के लिए छोड़ी गई थी, मतलब मतलब वो तो चलो क्लिप थी। हाँ। लेकिन जिस तरीके से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को मोड़ तोड़ के पाकिस्तान ने दिखाया था, हाँ, उनकी मीडिया ने वो भी उन्होंने दिखाया रोस्ट, और रोस्ट बहुत एंटरटेनमेंट से भरपूर था। हाँ। जो भाई ने क्लिप्स लगाई है छोटी छोटी मस्त वाली, हाँ, वो चाहे मुझे लास्ट अच्छा लगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अरे बहुत ही फनी भी थी यार, मजा आया वाली वीडियो देख के सच में, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी काफी एंजॉय करी हुई। तो ऐसी अमेजिंग रोस्ट वीडियोस आप जरूर चेकआउट करो इनके चैनल पे, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मजा आएगा सच में। मैं तो पहले आवाज का फैन हो गया, और जैसे जैसे फटाफट लगाए थे। हाँ। मिलते हैं आपसे एक और ताबड़तोड़ वीडियो के साथ, यार जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।